हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 180, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई 180 की वीडियो कब ला रहे हैं, तो फाइनली गाइस मैं आपके लेकर आ चुका हूँ टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 का रिव्यू, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपाचे आरटीआर 180। तो गाइस, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि टीवीएस ने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस किया है 2023 मॉडल में, और इस बाइक का क्या ऑनरोड प्राइस होने वाली है। अगर आप लेने की प्लान करें तो इस बाइक का ऑनरोड प्राइस क्या होने वाला है, और इसमें आपको क्या क्या नया फीचर देखने को मिलता है इस बाइक में, और क्या अपडेट नहीं किया है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करेगा, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपके सामने है टीवीएस अपाचे आरटीआर 2023 मॉडल, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि इस कलर में है, वाइट और रेड ग्राफिक्स में आपको देखने को मिलती है। जो नया इसमें अपडेट देखने को मिलता है इस बाइक में, वो काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में। तो गाइस, आपको यह बाइक कैसी लग रही है टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 2023 मॉडल, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो राइट साइड से इस बाइक का जो लुक है कुछ इस तरह से निकल के आती है, काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक देखने में। जो इसमें अपडेट किया है, जो ग्राफिक्स अपडेट में किया गया है, जिसकी वजह से यह बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूँगा इस बाइक का जो लुक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकल के आती है। तो आपको यह बाइक कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली यह बाइक जो अपडेट के साथ आई है, जो ग्राफिक्स में दिया हुआ है, काफ़ी पसंद आ रहा है इसका। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरह से है इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। अब गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बाइक में आपको हेडलाइट आपको कैसी मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे यह टीवीएस अपाचे आरटीआर जो टॉप मॉडल है, स्मार्ट एस कनेक्ट आपको फीचर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स मिलती है, जिसकी बैजिंग आपको यहाँ पे इसके फ्रंट वाइजर पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से, तो यहाँ पे देखेंगे आपको वाइजर मिलती है ब्लैक में आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, ये कम्प्लीटली एलईडी हेडलाइट की सेटअप मिलती है विथ एलईडी डीआरएल के साथ, जो इसमें 2023 मॉडल में अपडेट किया गया है। तो इसमें आपको पहले जो मिलती थी हेडलाइट, हैलोजन बल्ब की हेडलाइट मिलती थी, अब उसे टीवीएस ने अब अपडेट कर दिया है। तो इसमें अब आपको फुली एलईडी हेडलाइट की सेटअप मिलती है एलईडी डीआरएल के साथ, जैसा कि गाइस आपने देखा है टीवीएस अपाचे 162 भी में सेम उसी टाइप का आपको इसकी हेडलाइट देखने को मिलती है, जो काफ़ी शार्प लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो इस तरह से है इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल। अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की। तो फ्रंट में आपको जो इसमें सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको मिलती है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेलीस्कोपिक फोक्स आपको सस्पेंशन लगी मिलती है फ्रंट में, जो कि गोल्डन कलर में इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको इसका फ्रंट सस्पेंशन मिलती है। और बात करेंगे इस बाइक के ब्रेकिंग का, तो यह बाइक आपको अपाचे 180 सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट फेंडर पे, तो आपको यहाँ पर सुपर मोटो ABS की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको जो ब्रेक लगी मिलती है फ्रंट में, 270mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है विथ ABS के साथ, और जो फ्रंट में आपको जो टायर लगा मिलता है 90x90 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर फ्रंट में लगा मिलता है, जो MRF का टायर इसमें लगा हुआ है। और रिम पे आप देखेंगे तो इसके आपको यहाँ पर रेड कलर की आपको TVS रेसिंग यहाँ पे लिखी मिलती है, जो कि स्टिकर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे आपको जो इसका फ्रंट फेंडर आपको मिलती है कम्प्लीटली व्हाइट कलर में दिया हुआ है। तो इस पर आपको जो ग्राफिक्स मिलती है ग्रे और रेड करके आपको ग्राफिक्स की फ्रंट फेंडर मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है। और गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है। और फ्यूल टैंक पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर RTR की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। RTR यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और रेड कलर की आपको ग्राफिक्स मिलती है ग्रे कलर की, और वाइट कलर में यहाँ पे ग्राफिक्स जो दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आप देखेंगे RTFI की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इसमें जैसा लगा मिलता है, तो इसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका इंजन गार्ड आपको मिलती है, उस पर आपको TVS रेसिंग की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो गाइस इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और फ्यूल फ्री लीड आपको इस तरह से मिलती है। और टैंक पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है,
रेड व्हाइट और ग्रे कलर की आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से इसमें आपको ग्राफिक देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और मैं ये दिखाना चाहूँगा इस साइड से भी देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड में, तो इसी तरह से आपको आरटीआर लिखा मिलता है और रेड कलर की और आरटीआर यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है मिलता है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और दोनों साइड में आपको आरटीएफआई की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि इस बाइक में आपको रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा मिलता है जिसकी बैजिंग आपको इसके टैंक ऑल पर मिल जाती है। ये आपको यहाँ पर फायर बॉडी मिलती है, आपको जो फ्यूल टैंक मिलती है ये अभी आपको यहाँ पर मेटलिक आपको मिल जाती है। अब गाइस बात करें इस बाइक के हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हैंडल बार लगा मिलता है क्लिप ऑन आपको हैंडल बार लगी मिलती है, सेम वही आपको पहली वाली मिलती है। और आरटीआर 180 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इस बाइक के लेफ्ट हैंड पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पासिंग लाइट का आपको स्विच मिलती है, हाई बीम लो बीम इन्फो बटन आपको मिलता है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर हॉर्न का आपको स्विच मिल जाती है। और राइट हैंड पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्विच मिलती है इंजन के स्विच, मोड चेंज करने का स्विच और यहाँ पर पावर स्टार्ट का आपको स्विच मिल जाती है। ग्रिपिंग आपको कुछ इस तरह से मिलती है। और गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुल स्टेम मीटर कंसोल आपको मिलती है, जैसा कि अपाचे 162 भी में आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है सेम वही मीटर कंसोल आपको इस बाइक में भी देखने को मिल जाती है टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 में। तो ये सारे फंक्शन आपको देखने को मिलती है इसमें। आप देखेंगे एवरेज स्पीड, डिजिटल क्लॉक, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, किलोमीटर, ब्लूटूथ इंडिकेशन, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स भी इसमें दिया गया है, जिससे आप टीवीएस की जो राइड कनेक्ट ऐप है उससे पेयर करते हैं तो जो भी कनेक्टिविटी फीचर्स मिलती है जैसे SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ये सारे बेनिफिट आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। और इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो राइट हैंड आपको स्विच मिलता है जिससे आप यहाँ से रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड। तो इस बाइक में अब आपको 3 राइडिंग मोड्स TVS ने ऑफर किया हुआ है, तो यह बाइक काफ़ी पहले से स्मार्ट हो चुकी है। अब गाइस बात करें इस बाइक के सिटिंग कंफर्ट की, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है इस तरह से आपको सिंगल सीट लगी मिलती है जो काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली आपको सीट लगी मिलती है। इस पर आपको रेड स्टिचिंग आपको देखने मिलती है, सिंगल सीट इसमें दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करने वाली है राइडर और पिलियन दोनों के लिए। तो कंफर्ट के मामले में माने तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है इस बाइक में, जिसमें आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली इस बाइक में। और जो सीट हाइट आपको मिलती है इस बाइक में 799 का आपको सीट हाइट मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। और अब बात करेंगे इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 177 PSI का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर निकल करती है इस बाइक में 16.56 BHP की आपको पावर मिलती है एट 8500 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलती है इस बाइक में 15.5 Nm का आपको टॉर्क मिलता है एट 7000 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है, जो काफ़ी पावरफुल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जिसमें आपको जो पावर मिलती है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। और इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स लगा मिलता है और साइड स्टर्न इंजन कटाप सेंसर साथ ये बाइक आती है। और यहाँ पे देखेंगे जो इसका इंजन गार्ड आपको मिलता है जिस पर आपको TVS रेसिंग की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है। और साइड पैनल पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपाची की बैजिंग देखने को मिल जाती है, वाइट कलर में यहाँ पर दिया हुआ है और राइडर फुटपैक, प्लेन फुटपैक, ये सभी कुछ आपको इस बाइक में अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। और ओपन चेन ड्राइव सिस्टम आपको मिलती है कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। तो रियर साइड में आप देखेंगे तो रेड और ग्रे और वाइट कलर के आपको ग्राफिक देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और रियर साइड में आपको यहाँ पर आरटीआर 180 की आपको बैजिंग मिलती है कुछ इस तरह से। अब बात करें इस बाइक की रियर प्रोफाइल की, तो रियर में आपको जो टेल लाइट मिलती है सेम वही आपको टेल लाइट और आपको अपाचे 180 मिलती है, जैसा कि गाइस आपने देखा है TVS अपाचे 162 भी में, तो सेम वही आपको इसमें टेल लाइट लगी मिलती है जो कि इसमें अपडेट किया गया है इस बाइक में। टेल लाइट आपको इसमें मिलती है, LED टेल लाइट आपको मिलती है और जो टच सिग्नल आपको लगा मिलता है 12 वाट के हेलोजन लाइट के इंडिकेटर फ्रंट और रियर दोनों साइड में इस बाइक के लगा मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पर इस बाइक के लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे देखेंगे इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकल जाती है। और यहाँ पे साइड पैनल पे देखेंगे तो अपाचे की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि वाइट कलर में आपको मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे राइडर फुटपैक्स, प्लेन फुटपैक्स आपको कुछ इस तरह से इस बाइक में मेटलिक आपको लगा मिलता है। और रियर साइड में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर आरटीआर 180 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, रेड कलर की आपको ग्राफिक्स मिलती है। अब बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में नहीं मिलती है मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर आपको लगाया मिलता है जो कि इसमें गोल्डन कलर का दिया हुआ है
कुछ इस तरह से आपको रियर में भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छा खासा इस बाइक में टीवीएस ने ऑफर किया हुआ है। तो ओवरऑल बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको जो इसमें सस्पेंशन मिलती है काफ़ी अच्छा सस्पेंशन इस बाइक में मिल जाता है, जिससे आपको जो राइडिंग कम्फर्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाती है इस बाइक में। अब बात करें इस बाइक की रियर ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, जैसा कि यह टॉप मॉडल है डुअल डिस्क साथ है, तो इसमें आपको रियर में जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 200 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। और रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको 120x70 17 इंच का आपको रियर में ट्यूबलेस टायर लगा मिलता है। और रियर रिम पे भी देखेंगे तो आपको टीवीएस रेसिंग और रेड कलर की आपको यहां पर स्टिकनिंग इसके रिम पे देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से आपको इस बाइक में ब्रेकिंग मिलती है रियर में। गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस का, तो इस बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 1,24,090 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस है। और इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको नियर अबाउट 1,46,650 रुपये इसकी ऑनरोड प्राइस पड़ेगी। तो डिटेल जानकारी के लिए आप टीवीएस शोरूम में विजिट कर सकते हैं एग्जैक्ट प्राइस के लिए। अब गाइस बात करें इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो कर्व वेट निकल के आ रहा है 141 kg का आपको इसका वेट मिलता है। लेंथ आपको मिलती है इसकी 2085 mm का इसका लेंथ दिया हुआ है। विड्थ आपको मिलता है इस बाइक का 730 mm का आपको इसकी विड्थ मिलती है। हाइट की बात करें तो इस बाइक का जो हाइट आपको मिलता है 1105 mm का इसका हाइट दिया हुआ है। और इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1326 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको जो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 170 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और सीट हाइट आपको जो मिलती है इसमें 790 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। माइलेज की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो माइलेज मिलती है नियर अबाउट 40-45 kmph की माइलेज इस बाइक में आराम से देखने को मिल जाती है। सो गाइस ये रहा टीवीएस अपाचे आरटीआर 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें आपको हमने इस बाइक से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन को आपको डिटेल्स बताया हुआ है कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो ये ग्राफिक्स आपको मिलती है नया आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है। और इस बाइक का ऑनरोड प्राइस मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इस बाइक का कितना ऑनरोड प्राइस होने वाली है। और साथ साथ मैंने बताया कि अगर आप इसे लेते हैं तो आपको कितनी इसमें माइलेज मिलती है, तो उसका मैंने डिस्कस इस वीडियो में किया हुआ है। तो गाइस आपको ये वीडियो और यह बाइक कैसी लगी टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में सत्ता ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।